सुदामा जी ने कभी कृष्ण की भक्ति को नहीं छोड़ा, वे कृष्ण कृष्ण ही कहते थे। अब एक कृष्ण कृष्ण का कहना इतना हो गया कि उनकी पत्नी, उनके बच्चे बड़े होने लगे, दाने दाने को तरस रहे थे, खाने के लिए कुछ नहीं था। पौंड्र कृष्ण नाम का एक और एक महाकृष्ण पैदा हुआ और उसने कहा, हे सुदामा, तू जो उस कृष्ण की बात करता है, उस कृष्ण के बारे में जो बात करके इतना करता है, तू मेरा प्रचार कर, तेरे को धनवान बना दूंगा, तेरे को करोड़पति बनाऊंगा, तेरा नाम करवा दूंगा, तू मेरा नाम मेरा प्रचार कर, उस कृष्ण को छोड़ दे। सुदामा हंसते कहते कि एक बार कृष्ण को दिल दे दिया है, मैं उसी कृष्ण के साथ रहूंगा, मुझे दूसरा कृष्ण कोई नहीं चाहिए, मैं नहीं जानता। उस पौंड्र कृष्ण ने सुदामा को बहुत बहुत कष्ट पहुंचाए, फिर भी उन्होंने कभी कृष्ण के बारे में या कृष्ण को छोड़कर कहीं बात नहीं कही और कहीं दूसरी जगह नहीं गए। जब ऐसी स्थिति आ गई कि खाना खाने के लिए भी घर में नहीं था, तो पत्नी ने कहा कि भाई ठीक है, तुम कृष्ण को मत छोड़ो, तुम्हारे कृष्ण से ही तुम प्यार करो, लेकिन एक बात तो कहो, वो कृष्ण आज राजा बनकर मथुरा और द्वारका में पालन करते हैं, राजा है, एक जगह मिलकर तो आओ कि दोस्त के नाते कहो कि हमारी स्थिति ऐसी है, अगर वे कुछ दे तो लेके आना, नहीं तो नहीं। तो सुदामा जी ने कहा, नहीं, मैं कभी मांगने नहीं जाऊंगा, कृष्ण के पास मांगने नहीं जाऊंगा, मैं मित्र बनकर जाऊंगा, ये बात अलग है। आखिर पत्नी कितना समझाने पर भी नहीं गए तो कृष्ण ने कहा कि तुम मिलने के लिए ही जाओ, कृष्ण से मिलने के लिए ही जाओ। तो उसने कहा, कृष्ण को मिलने के लिए जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें पता है मैं कृष्ण के लिए क्या ले जाऊँ, मेरे पास क्या है। उसने कहा, बच्चों को खाना खाने के लिए नहीं है और बात कर रहे हैं कि उनके लिए क्या ले जाऊँ। उन्होंने कहा, आखिर कुछ नहीं, थोड़ा सा पोहा बचा हुआ है कहीं मटकी में, उन्होंने वही अपने धोती में बांध ली और कहा, लंगड़ते लंगड़ते द्वारका चले गए। द्वारका चले गए तो द्वारका में जहाँ वे खड़े रहकर जाकर बोलने लगे, द्वारपाल खड़ा था, तो द्वारपाल को कहा कि मैं अंदर जाना चाहता हूँ, भगवान कृष्ण से मिलना है। उसकी स्थिति देखकर द्वारपाल तो गाली देकर हटा लिया, तू और कृष्ण से मिलना क्या, अरे भाई नहीं, मेरी बात सुनो, मैं और कृष्ण बचपन के सखा है, दोस्त है, मित्र है, मैं मिलना चाहता हूँ। वो लोग हंसने लगे और कहा, कृष्ण का कोई ऐसा दरिद्र दोस्त होता है क्या, चल चल क्या बात करता है। कृष्ण अपने पत्नी भारियाओं के साथ बैठे, खिलखिलाहट के साथ हंसते बैठे थे, एकदम कृष्ण को जोर से ठसका लगा। कृष्ण ने कहा, प्रभु तुमको किसने याद किया। कृष्ण कहने, किसने याद किया होगा भाई, इतना इतने जोर से बहुत जोर से ठसका लगा, किसने याद किया होगा। तो कृष्ण ने अपने ज्ञान दृष्टि से देखा कि मेरा सखा द्वार पर आया हुआ है और मेरे सैनिक उसको बाहर अकाल रहे हैं, बस क्या था उनको, जैसा दिखा कि सखा आया हुआ है, भागते हुए आए, इतने भागते हुए पाँव में कुछ पहने ही नहीं, वैसे ही भागते भागते हुए आए और कहा कि मेरा सुदामा कहाँ है। उसने वहाँ सुदामा खड़ा था, बोलो उस स्थिति, उस समय में उस सुदामा की स्थिति क्या हुई होगी, जो कृष्ण एक का महाराजा भगवान भागते हुए आकर कृष्ण के कृष्ण सुदामा के गले मिलता है, कहता है कि हे सुदामा, इतने दिन तो कहाँ गया था। कृष्ण को ही पता था कि वो कहाँ गया था, कृष्ण को ही पता था कि वो कैसे दिन गुजार रहा है, लेकिन केवल वो ध्यान देते कि वो समर्पण स्थिति में कहाँ तक सही उतरता है, उसकी समर्पण उसका समर्पण देखनी चाहते थे। जब उन्होंने देखा कि सुदामा के पैरों में छाले पड़े हुए हैं, वो चप्पल भी नहीं पहने हुए, फटे धोती से के साथ आया हुआ, और उसकी स्थिति देखकर कहा, हे कृष्ण, बस मुझे स्वर्ग क्या, स्वर्ग से भी ज़्यादा महान मिल गया, मैं तेरे साथ मिलने के लिए आया था, इन सैनिकों ने कहा कि मैं तेरा सखा नहीं हूँ, मुझे मैं तुझे मिल गया, तेरे राजभवन में भी आने के लायक मैं नहीं हूँ, मैं यहाँ से नमस्कार करने जाता हूँ। तो कृष्ण की आंखों में आंसू आए, बोले तू मेरा बचपन का सखा है, तू मुझे क्या समझता है, तू मुझे समझता क्या है, तू कहे तो मैं तेरे को उठा के अंदर ले जाता हूँ, मुझे तू मेरे साथ आना ही होगा राजभवन में। और अपने राजभवन में कृष्ण सुदामा को लेकर गए और उनके आसन पर बिठाया, स्वतः के आसन पर बिठाया और उनके पाँव के छाले देखकर उस पाँव को धोने लगे, अपने पानी के साथ तरस के साथ धोने लगे, और उनके आंखों में आंसू आए कि मेरा कृष्ण, मेरा सुदामा इतना दुखी है और मैं कुछ नहीं कर सका। जब वो ध्यान में चले गए और देखा कि पौंड्र कृष्ण ने उसको कैसे सताया, गाँव वाले ने उसको कैसे सताया, पत्नी बच्चों ने उनको कैसा सताया कि तुम कृष्ण कृष्ण कहते हो, तुम्हारे पास कमाने के लिए कुछ नहीं, रुपया भी नहीं है, तुम्हारा कृष्ण तुमने तुम्हारे लिए क्या किया, तुम्हारे कृष्ण ने तुम्हारे लिए क्या किया है, ऐसा बार बार कहते थे। और सुदामा का एक ही प्रश्न था, कृष्ण सब जानता है, मैं कृष्ण से कुछ नहीं मांगूंगा, मैं कृष्ण की भक्ति करता हूँ, कृष्ण के प्रति समर्पित हूँ, मुझे कृष्ण की सेवा कुछ नहीं मालूम, यही उसके वचन थे। जब ये ध्यान में कृष्ण ने देखा तो कृष्ण की आंखों में आंसू आए और कहा
कि हे सखा तू इतने दूर से आया है, आज तक तू क्यों नहीं मिलने आया, इतनी देर क्यों लगा दी। तो हे महामायावी, हे मोहन, तू जानता है कि मैं इतने दिन आने के लिए मुझे क्यों लगा, क्यों इतने दिन लगे, ये तू अच्छी तरह जानता है। मोहन ने अपनी पत्नियों के साथ कहा कि आज मेरा सुदामा आया है, उसके लिए पकवान करो, उसके लिए अच्छे से कपड़े लेके आओ, उसको सब कुछ हम समर्पित उसके उसका पाद प्रक्षालन करते हुए मैं आज उसको कुछ देना चाहता हूँ। तो कृष्ण देखा था, हम बचपन में बचपन की यादें देते हुए तू मेरे लिए पोहा लाया करता था, तू मेरे लिए खाने के लिए रखता था, आज मेरे लिए पोहा लाया क्या। तो सुदामा दरिद्रता के कारण जो अपने धोती में पोहा बंदे थे उसको छुपा रहा था कि इसके इतने चांदी की थाली में सोने की थाली में सारे लगाए हुए मेरा पोहा कहाँ कम पड़ गया। तो कृष्ण ने कहा क्या छुपा रहा है, कि चल मुझे निकाल के दे दे। और उन्होंने उनके हाथ से निकाली, वो जो धोती में पोटली बांधी थी वो निकाल कर उन्होंने देखा कि वाह मेरे लिए पोहा लाया है। तो उन्होंने पहला पोहा पहला घास ग्रास जैसा ही कहा। कहते हैं कि सुदामा जहाँ रहते थे वह महल चांदी सोने का महल बन गया, उसमें धनधान्य आ गया, पत्नी के शरीर पर आभरण आ गए। दूसरा जैसा ही कहा कि सारे लोगों की स्वस्थ प्रकृति हो गई। तीसरा पोहा खाने गए तो पत्नियों ने हाथ लगाकर कहा क्या सारा प्रसाद तुम ही खा लोगे, हमारे लिए कुछ रखोगे या नहीं। और उन्होंने ले लिया। अगर वो तीसरा पोहा दे देते हैं तो कृष्ण गरीब हो जाते थे और सुदामा कृष्ण की जगह हो जाता था, ये महा तीनों पत्नियों को पता थी। और उन्होंने तीसरा ग्रास अपने पास ले लिया कि कृष्ण अपने उस समर्पित सखा के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार थे। हम आज देखते हैं हमारे में समर्पण कहाँ तक है। दो मिनट हम अगर गुरु से देख ले तो तीसरे मिनट गुरु से आके देखे, गुरु हम इतना आपके लिए करते रहे हमारा कुछ बुरा ही, आप एक बार करके के देखो, उस समर्पण को करके देखो। गुरु जानता है कि तुम्हारे लिए क्या करना है, गुरु जानता है कि तुम कहाँ तक समर्पित हो, तुम किस तरह गुरु गुरु कहकर भटकते हो, एक गुरु के पास दूसरे गुरु के पास कैसे जाते हो, एक देवता से दूसरे देवता के पास किस तरह जाते हो, जानता है। ऐसी ही एक पुराण में देवी भागवत में कहानी आती है, मनु सावरणी इंद्र सावरणी नाम के बहुत विष्णु भक्त हुए, बहुत बड़े विष्णु भक्त नारायण के भक्त थे और एकदम संपन्नमान हुए, बहुत जिनके पास पैसा सब कुछ था। तो उनके ही कुल में एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम था वृषभध्वज। वो वृषभध्वज जैसे ही उत्पन्न हुआ वह शिव की भक्ति करता था, शिवजी के सिवा किसी देवता को मानता ही नहीं था, बस शिवजी सब कुछ है। बाद में उस उन गाँव में महालक्ष्मी की पूजा भाद्रपद मास में, माघ पंचमी को सरस्वती की पूजा ये सारी होती थी, वो सभी को जाके बताया सरस्वती महालक्ष्मी कुछ नहीं है, शिव ही सब कुछ है। ऐसा कहते हुए वो शिव के बारे में शिव की ही पूर्ण प्रति समर्पित रहता था, शिव की पूजा करता था। तो एक दिन उन्होंने महालक्ष्मी पूजा करने वालों को कहा कि शिव से बढ़कर कोई नहीं है, सारी पूजा हटा दो। यह बात कोई दूसरा नहीं देख रहा था, भगवान सूर्य देख रहे थे, क्योंकि जंगल में बैठकर ये पूजा हो रही थी। भगवान सूर्य ने देखकर सूर्य भगवान को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा वृषभध्वज तूने माता लक्ष्मी की पूजा को ठुकरा दिया है और तूने ऐसा कहा है, तू धनहीन हो जा, तू दरिद्र हो जा, ऐसा उसको श्राप दे दिया, दरिद्र होकर तू मर जा। तो देखता क्या है, एक मिनट में उसकी कलाएँ सारी चली गई, वो एकदम गरीब हो गया। तब उसने अपने शिव से प्रार्थना की, प्रभु तुम्हारी इच्छा। उतना होने पर भी उसने नहीं कहा कि मैं विष्णु की पूजा करता हूँ या लक्ष्मी की पूजा करता हूँ, भगवान शिव तुम्हारी इच्छा। जब ये बात शिवजी के पास गई कि सूर्य नारायण ने शिव भक्त को वृषभध्वज को श्राप दे दिया है, तो शिवजी त्रिशूल लेकर भागते हुए खड़े हो गए सूर्य नारायण के पीछे, बोले तू मेरे भक्त को तू गाली देता है, मेरे भक्त को दरिद्र होने की बात करता है, तू समझता क्या है अपने आप को। सूर्य भगवान ने जब देखा कि भगवान शिव त्रिशूल लेकर पड़े हैं तो भागे वहां से, सीधा ब्रह्मा जी के पास आ गए और कहा क्या बोले सूर्य ने तू ऐसा क्यों भाग किया, मैं बोला गलती हो गई, मैं ये शिव भक्त था उसको मैं गलती से ऐसा बोल दिया तो शिव जी मेरे पास त्रिशूल लेके पड़ गए, तो तू मेरे पास कह को आया, वो मेरे पास पे आ जाएंगे। देखते देखते शिव जी ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा भी भाग के खड़े हो गए, मेरे ऊपर त्रिशूल न चला दे। ब्रह्मा वहां से चले, दोनों मिलकर गए भगवान विष्णु के पास। विष्णु के पास जाए सब ऋषि सब बैठे थे, बोले तुम सब लोग यहाँ आए किस लिए, बोले क्या बताएं भगवान शिव जी त्रिशूल लेकर हमारे पीछे पड़े। बोले हुआ क्या, वो शिव भक्त को भगवान सूर्य नारायण ने श्राप दे दिया था कि तू धनहीन हो जा, और क्योंकि आपकी भक्ति करते थे इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया, तो भगवान शिव जी रुष्ट होकर हमारे को मारने के लिए आ रहे हैं।